सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। यार रिश्तो.com जी काउंसलिंग छा थी आहे अच त बुधाए को भी छोकरो या छोकरी रिश्तो.com जी वेबसाइट ते एक बे जो प्रोफाइल पसंद कन था एं जे गालण में हिचकिचाइन था त रिश्तो.com हुनन जी मीटिंग कराए गाल बोल के अगे वधाइना एं जे गाल ठई त शादी फिक्स रिश्तो.com सिंधियन जो सिंधियन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तिरंगा भारत माता की जय। आज बिरला गेट से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज के इस चौक पर हमारे सभी कार्यकर्ता, यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट, महानगरपालिका, विद्यालयों के बच्चे, आपने देखा होगा यह पूरा सप्ताह रैलियों का सप्ताह है, जन जागरण करने का सप्ताह है, लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना पैदा करने के लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा यह अभियान चलाया गया है। हमने आज सभी से निवेदन किया है कि 13 तारीख से 15 तारीख तक अपने घरों के बाहर तिरंगा लहराएं। इसमें कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल को शिथिल किया गया है। आप 13 तारीख को सुबह तिरंगा ध्वज लहरा सकते हैं और 15 को शाम को या 16 को सुबह सम्मान पूर्वक वह तिरंगा उतार कर लपेट कर अपने घरों में रख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं शहर शहर में, घर घर में रैलियां निकल रही हैं। विद्यालय के बच्चे, स्कूल के बच्चे, महानगर पालिका के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग सभी सहयोग कर रहे हैं। हमने यह पूरा सप्ताह रखा है, 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक कई कार्यक्रम हमने रखे हैं। अभी 12 तारीख को भी 4 नंबर की रैली है। 13 तारीख को हमारे आमदार कुमार ऐलानी जी ने हजारों लाखों की संख्या में एक बड़ी रैली गोल मैदान पर रखी है। मैं सभी शहरवासियों को हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि तिरंगा सम्मान पूर्वक 13 तारीख को अपने घर के बाहर लहराएं और 15 को शाम को या 16 को सुबह उसे उतार कर अपने घरों में रखें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जरूर होना चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, जो पहले कभी इतना तिरंगा को सम्मान नहीं मिला था, उनके नेतृत्व में जो मान सम्मान तिरंगा को मिला है, देश को मिला है, आज हर स्कूल के बच्चे में उनको मालूम पड़ गया कि हमारे तिरंगे की क्या वैल्यू है। तो उनमें बच्चों में भी उत्साह है, भरे बूढ़ों में भी उत्साह है। तो मैं कहता ही कहूँगी कि आज 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप हमें हर तिरंगे को मान सम्मान दीजिए, अपने घर में लगाइए, 15 के बाद आप उसको फोल्ड करके अच्छी तरह से मान सम्मान के साथ फिर घर में रखिए। और मैं कहूँगी जो मान सम्मान हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी से मिला है और हमारे हर आमदार जो भी हमारे भाजपा के हैं, वो एक एक रैली निकाल रहे हैं हर अपनी एरिया में और यही प्रेरणा देते जाके कि वैल्यू क्या है हमारे तिरंगे की। जो पहले सत्ता थी उनमें उन्हें किसी को नहीं सिखाया था कि ये भारत के तिरंगे की क्या महत्व है। तो हर महत्व के हम आमदार या हमारे जो भी पार्टी के लेबर्स वर्कर्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब इसमें काम में लगे पड़े हैं। तो मैं कहूँगी हर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा, ये जो नारा है उसके साथ रैली निकालिए, मान सम्मान तिरंगे को दी। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हर घर झंडा, घर घर झंडा का जो आह्वान किया गया है, उसके तहत उल्लास नगर के जन्मदिन के उपलक्ष में हम लोगों ने 8 तारीख से 15 तारीख तक पूरी भारतीय जनता पार्टी उल्लास नगर जिला ने ये प्रण किया है कि हर दिन हर तरफ हर इलाके में जाकर हम लोग जन जागृति अभियान करेंगे। उस अभियान के तहत आज हमारी ये रैली बिरला गेट से लेकर शिवाजी चौक तक हुई है। इसमें हमारे जो अध्यक्ष थे दीपक छतलानी जी थे, इसके हमारे पूरी टीम के जो सर्वे सर्वा है जमनू कुशवारी जी ने जो संकल्प लिया है कि उल्लास नगर को पूरा तिरंगामय करने का है, उस मुहिम के तहत हम लोगों ने हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो प्रोग्राम आयोजित किया है पूरी उल्लास नगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और मैं आपके चैनल द्वारा सभी उल्लास नगर वासियों को ये निवेदन करता हूँ
कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये हमारे लिए राष्ट्र का झंडा ध्वज कभी घर नहीं आता है, ये प्रोटोकॉल में नहीं होता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मौका दिया है तो ये हमारे गर्व की बात है कि सबसे ऊंचा रहे झंडा हमारा जो राष्ट्रगान है। तो अपने घर पे, अपने दुकान में, अपने हॉस्पिटल में, अपनी होटल में, अपने जो भी जो स्थल है वहाँ पर लगाकर गर्व महसूस करें, अभिमान महसूस करें और उल्लासनगर का पूरे विश्व में नाम करें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम भारत। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई मुहिम इस अमृत महोत्सव पर 75 साल देश की आज़ादी को पूरे हो रहे हैं, उन्होंने एक नई मुहिम पूरे देश के लिए दी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पिछले 2-3 दिनों से ये पूरा एक सप्ताह प्रोग्राम चलेगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। हम सभी व्यापारी भाइयों से, शहर के सभी आम जनता से ये अपील करना चाहते हैं हाथ जोड़कर कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घर पर, अपने दुकान पर तिरंगा लहराएं। मैं आज जो तिरंगा रैली हमारी निकली थी उसमें जो व्यापारी भाइयों ने इस तिरंगा रैली के स्वागत के लिए चाय, नाश्ते का, पानी का बंदोबस्त किया था, उन सभी व्यापारी भाइयों का मैं तहे दिल से धन्यवाद। हमारे उल्लासनगर विधानसभा के आमदार कार्य सम्राट कुमार ऐलानी जी ने 13 अगस्त को सुबह 8:30 बजे अपने ऑफिस से एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें बहुत से एनजीओस, समाज सेवा करने वाले ग्रुप्स, योगा के ग्रुप्स, सीनियर सिटीजन, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नगर सेवक, एक बहुत बड़ी भव्य रैली है, उसको जरूर सफल बनाएं। आम जनता से अपील है कि इसमें जरूर शामिल हो, 13 अगस्त सुबह 8:30 बजे। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो घर घर तिरंगा यात्रा 13, 14, 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा लगना चाहिए, हर दुकान में तिरंगा लगना चाहिए, हर फैक्ट्री पे तिरंगा लगना चाहिए, उसकी हम 13 तारीख को सवेरे 8 बजे आमदार कार्यालय से बड़े पैमाने पे यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, उल्लासनगर के एनजीओस, उल्लासनगर के योगा करने वाले, योगा प्रेमी, उसके अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, रोटरी क्लब, व्यापारी, सभी को हमने कहा है कि आप इस रैली में आके शामिल हो, कॉरपोरेशन के स्टाफ, मैं सभी शहरवासियों को आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से विनती करता हूं कि ये तिरंगा यात्रा जो 13 तारीख को सवेरे 8 बजे आएगी, आप उसमें आके शामिल हो। 8 से 9:30 बजे तक है गोल मैदान, नेहरू चौक, नेहरू चौक से आमदार कार्यालय तक कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन ये देशभक्ति का एक मैसेज, एक उल्लासनगर का मैसेज हम पूरे देश में देना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए जो मोदी जी ने 13 और 15 अगस्त के दिन हर एक घर घर पे हमारा तिरंगा लहराना चाहिए, ये सब लोगों से निवेदन किया है। तो एज अ डॉक्टर, मैं इंडियन डेंटल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सब पैरा मेडिकल एसोसिएशन, पैथोलॉजिस्ट और जितने भी मेडिकल फैकल्टी के सब डॉक्टर से सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे क्लिनिक के ऊपर, हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर 13 से 15 अगस्त तक यह झंडा लहराना चाहिए, ये सबसे निवेदन है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।